हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है इमरान और आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि सेहती ऐप से कोरोना वैक्सीन का अपॉइंटमेंट कैसे लें, कैसे उसे बुक करें। तो जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते हैं, ओपन करते हैं। इस तरह से ओपन करने के बाद कोविड 19 वैक्सीन लिखा हुआ, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा है रजिस्टर, इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल दें। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे किस एरिया में आप रहते हैं आपको वो चूज़ करना है, जहाँ पे आप रहते हैं उधर डालना है। या मैं बाहर में रहता हूँ, मैं बाहर डाल देता हूँ। रेजिडेंट सिटी में अलबाहा डाल देता हूँ क्योंकि मैं अलबाहा में हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट करना है आपको। नेक्स्ट करने के बाद आप काम क्या करते हैं आपको इसमें डालना है, आपका जो भी काम आप करते हैं इसमें अगर है आप तो उसको चूज़ कर लें। मैं डालता हूँ इसमें आई वर्क इन अदर प्राइवेट सेक्टर, इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। हेल्थ कंडीशन आपको यहाँ पे आपको चूज़ करना है, जो भी आपको तकलीफ़ है, आपको खांसी है, बुखार है, सर्दी है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसमें चूज़ करके आप देख के उसको कर दें। अगर आपको कुछ भी नहीं है तो सब पे नो कर दें। नो करने के बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद ये यस आई एम श्योर, इस पर क्लिक करें, फिर ओके कर दें। अभी आपका पेंडिंग दिखा रहा है। पेंडिंग दिखाने के बाद फिर वहाँ पे एक दो दिन में आप चेक करेंगे तो वहाँ पे एलिजिबल लिख के आएगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे लिख के आया एलिजिबल। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे बुक व्यू अपॉइंटमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद उसके बाद इस तरह से पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारी कंडीशन लिखी हुई है तो आप इस पर पूरा पढ़ लें। तो ये पहला जो ऑप्शन है ये लिखा है कि कोई अगर लेडीज़ जा रही है तो मतलब वो प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए, अगर वो प्रेग्नेंट है तो वो सुई नहीं लगा सकती, इंजेक्शन नहीं लगा सकती हैं। दूसरी बात यह कि आप कोई टी शर्ट पहन के जाएँ तो कोई लूज़ टी शर्ट पहन के जाएँ, कोई टाइट टी शर्ट ना पहन के आपको लगाने में बहुत प्रॉब्लम हो। अगर 18 साल के अंदर आप हैं तो वो भी नहीं लगा सकते हैं। और वैक्सीन लगाने के बाद आप 15 मिनट तक वहाँ पर रेस्ट करें, आप बैठे वहाँ पर। ये जो घड़ी का निशान दिखा हुआ है इस पर लिखा हुआ है कि आप 15 मिनट तक वहाँ पे इंजेक्शन लगाने के बाद आप वहाँ पे रेस्ट करें, बैठें। जो दूसरे नंबर पे लिखा है नीचे से, ये लिखा हुआ है आपका अपना इकामा आपके साथ में होना चाहिए, आपके मोबाइल में जो इकामा का फोटो वीडियो ऐसा, और आपके पास भी होना चाहिए इकामा। और ये लास्ट वाला जो ऑप्शन लिखा हुआ है इसमें लिखा है आप फेस मास्क लगा के रखें, थोड़ा डिस्टेंसिंग बना के रखें भी है। उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करें बुक कोविड 19 वैक्सीन अपॉइंटमेंट, इस पर क्लिक कर दें। यहाँ पे जो ऑप्शन आया है लिख के पहली बार, यहाँ पे आपको मतलब पूछा जा रहा है आपको बुखार ज़्यादा तो नहीं है, टेम्परेचर ज़्यादा तो नहीं है, तो इस पर आप नो पे क्लिक कर दें। आपको अगर बुखार है तो यस लिखें, नहीं तो नो लिख दें। आप यहाँ पे पूछा गया है कि आप 14 दिन के अंदर किसी कोरोना पेशेंट से मिले हैं, किसी कोरोना पेशेंट के आसपास में गए हैं, आपके आसपास में कोई था ऐसा दोस्त यार कोई भी, तो अगर आप किसी दोस्त यार के पास में गए होंगे मिलने के लिए जो कोरोना पेशेंट रहा होगा तो यस लिखें, अगर नहीं गए किसी से मिलने के लिए तो इस पर नो लिख दें। यहाँ पे लिखा हुआ आपको किसी तरह की एलर्जी तो नहीं है, कोई एलर्जी रहेगी तो इस पर यस लिखें, जैसे सर्दी या और ऐसा कुछ भी, मतलब कि इंजेक्शन लगाने पे आपको कोई दाना वाना हो जा रहा है तो निमोनिया जैसा कुछ होता है, तो इस टाइप का अगर कुछ होता है आपको या कुछ है अभी बॉडी पे तो आप उसको यस करें, अगर नहीं तो फिर नो कर दें। इस पर भी आप नो कर दें। उसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करें। इधर आपका जो नज़दीकी जो भी आपका हॉस्पिटल होगा, आपको आपका नाम उस मालूम होगा हॉस्पिटल का, तो आपके आसपास में, तो यहाँ पे नाम बहुत सारा दिया हुआ है तो जो आसपास में आपके रहेगा उस पर चूज़ कर लें। तो मैं अपना जो भी नज़दीकी जो भी रहेगा मैं उसमें चूज़ कर लेता हूँ। ये मेरा ऊपर वाला ही बनसार ये मेरे बहुत करीब में है, 3 किलोमीटर पर है, 3.5 किलोमीटर पर, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अभी इसमें अवेलेबल नहीं है। बैदान पर ये मेरे 5 किलोमीटर पर, इस पर क्लिक करके देखता हूँ। इसमें देखो यहाँ पर मिल गया मुझे, अब 2 तारीख 7 तारीख और 8 तारीख को यहाँ पर दिया हुआ है, तो मुझे अगर मान लो 7 तारीख को लगाना है, 6 तारीख है, तो मैं 7 पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ है आप कितने बजे आप बुक करना चाहते हैं, तो अगर मैं 12 बजे अगर टाइमिंग लिखता हूँ यहाँ पे, 12 बजे क्लिक करें, इसको कंफर्म कर देता हूँ। ऐसा ऑप्शन आएगा तो यहाँ से आपका हो गया सक्सेसफुली। यहाँ पे आप इस पे क्लोज पे क्लिक कर दें, ये देखिए पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा आपका, आपका नाम, आपका इकामा नंबर, आपको कहाँ जाना है, यहाँ पर उस सेंटर का नाम लिखा आएगा किस एरिया में है,
और आप इस पर क्लिक कर देंगे, ये जो येलो कलर का दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो आपको लोकेशन दिखाई जाएगी। अगर आपको रास्ता नहीं पता है कहाँ पे है वो, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो आपको वो लोकेशन दिखाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ इस पर लोकेशन दिखाता कि नहीं। इस पर क्लिक करते हैं, फिर लोकेशन पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करें डायरेक्शन पे, फिर यहाँ पे देखिए ये किस तरह से घुमा के यहाँ से यहाँ बता रहा है, ये रहा लोकेशन। ऐसे आप जा सकते हैं वहाँ पे जहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट मतलब लिया, जहाँ पे आप इंजेक्शन लेना है। तो इस तरह से आप अपना कोरोना वैक्सीन का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आपको नहीं लेना है, जैसे आपको कुछ दिक्कत हो गई, आप वही जाना है तो कैंसिल करना है, तो ये लिखा कैंसिल अपॉइंटमेंट, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा। तो मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ। ये कैंसिल अपॉइंटमेंट क्लिक करेंगे, इस पर लिखा हुआ है कि आप तुरंत कैंसिल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप अभी बुक किए हैं तो अभी आज के दिन ही इसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। आप रीज़न लिखा हुआ है, कैंसिल रीज़न क्या है, यहाँ पर आप लिख करके उसको कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखा हूँ आई एम गोइंग आउट ऑफ सऊदी अरबिया, मैं सऊदी के बाहर जा रहा हूँ। मैं ये लिख करके इस पर कैंसिल पर देखता हूँ। ये देखिए हो गया है, योर अपॉइंटमेंट कैंसिल, ये कैंसिल हो गया है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।